हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पर पढ़ने पर हम आगे थे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल्स इन आईटी डिपार्टमेंट चैप्टर में। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कंट्रोल्स एक आईटी डिपार्टमेंट में, यानी कि आईटी डिपार्टमेंट में कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा और उसी स्ट्रक्चर से कंट्रोल्स पढ़े, कंट्रोल्स कि लेवल का कंट्रोल स्ट्रांग है या वीक कंट्रोल्स हैं, ये हमें पता चल जाएगा। ये हमने पहले सेशंस में कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार एम्फसाइज कर चुके हैं। और हम ये भी जान चुके हैं कि अगर मान लिया सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर डिफाइंड रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होनी चाहिए, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। और अगर प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं है तो कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स होनी चाहिए जो उनको कंपेंसेट करें। तो अब हम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। अब जो अगला टॉपिक हमारी स्टडी में है वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है। तो हमारी ड्यूटी, हमारी स्टडी जो है वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के बारे में बताती है, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में ये बताती है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एक ट्रेडिशनल नॉन कंप्यूटर कंट्रोल टेक्निक्स है। और यही कारण है कि आज की डेट में कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में क्या है कि चीज़ें ऑटोमेट होती चली जा रही हैं, और पहले क्या होता है हर चीज़ ह्यूमन बीइंग पर डिपेंडेंट थी। ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग पर डिपेंडेंट था, जो भी रिसोर्स था ह्यूमन बीइंग था। और धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेट होने लगी, ह्यूमन बीइंग सिस्टम से बाहर होने लगा। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ जो हैं एज अ कंट्रोल वो कम इफेक्टिव होने लगी। लेकिन आज भी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है तो वो पता चलता है, उससे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स होंगे, एक रीजनेबल लेवल ऑफ कंट्रोल्स उस ऑर्गेनाइजेशन में होंगे। बाकी चीज़ें कंप्यूटर अपने आप देख रहा है, लॉग्स देख लीजिए और आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में दो कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ है, एक है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी और एक लॉग्स हैं। यानी कि नॉन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करेंगे, और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होगा तो कंप्यूटर में जाके उसका लॉग उठा के दे देंगे कि इसने क्या काम किया। तो वो सारे लॉग्स में, सारी एक्टिविटी लॉग्स में सारी एक्टिविटी आपको नज़र आ जाएगी। तो जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ता चले जाएगा वैसे वैसे लॉग्स इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे, इंडिपेंडेंट रिव्यूज़ इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे। और जहाँ पर जितनी ऑटोमेटेड नॉन ऑटोमेटेड प्रोसेस होंगे वहाँ पर ह्यूमन बींग इंपॉर्टेंट होता चले जाएगा। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एक ट्रेडिशनल नॉन कंप्यूटिंग कंट्रोल टेक्निक है, और ये क्या हेल्प करती है, ये हेल्प करती है कॉन्फ्लिक्टिंग जॉब ड्यूटीज़ को सेपरेट करने में हेल्प करती है। आजकल ऑर्गेनाइजेशन में कोई जैसे कंपनीज एक्ट है, इसमें ये बोला जाता है कि अगर मान लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है तो वो डिस्क्लोज करेगा, वो इंटरेस्टेड पार्टी है। तो वो जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि मैं एक इंटरेस्टिंग पार्टी हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। जरूरी नहीं है कि मैं नेगेटिव डिसीजन लूँगा, लेकिन मेरे को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि वोटिंग पावर्स नहीं होती हैं, वोटिंग पावर्स नहीं दी जाती हैं, क्योंकि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। तो इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग जॉब ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट कर दिया जाता है, और यही सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ में किया जाता है। तो बेसिकली ये किस लिए किया जाता था, फ्रॉड को डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे आदमी होते थे तो बहुत सारा फ्रॉड करने के चांसेस रहते थे। पहले क्या हुआ, एक कंपनी में 1000 आदमी है तो फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज की डेट में वो 1000 आदमी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, उनको चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही हैं, उसकी जगह 5 आदमी आ गए। तो यानी कि एफिशिएंसी बढ़ गई, लेवल ऑफ फ्रॉड की चिंता जो हमारी थी वो मशीन जहाँ पर काम कर रही है वहाँ पर जो 995 आदमी हमने ऑटोमेट करके सिस्टम से निकाल दिए वो फ्रॉड नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने आप फ्रॉड नहीं करता है। सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम्स के पीछे आदमी होना चाहिए फ्रॉड के लिए, ऑटोमेटेड सिस्टम्स अपने आप फ्रॉड नहीं करते। तो वहाँ पर फ्रॉड के, क्योंकि ह्यूमन बीइंग थे उनके, वो फ्रॉड कर सकते थे, इसलिए सेपरेशन ऑफ ड्यूटी, सेपरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट की वजह से सेपरेशन ऑफ, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी किया गया। उसके अलावा क्या होता था, सेपरेशन से एक्यूरेसी चेक भी होता था, ताकि एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो दूसरा आदमी उसकी पुलिसिंग कर सके, देख सके उसको। तो आज की डेट में पहले 995 आदमी होते थे, 1000 आदमी होते थे, तो उसमें बहुत से सुपरवाइज़र होते थे, पूरी एक चेन होती थी। आज की डेट में क्या है कि सारी चीज़ें ऑटोमेट कर दी, तो ऐसा है कि वर्क एक्यूरेसी ऑटोमेटेड सिस्टम्स में ऑटोमेटिकली एक रीजनेबल लेवल वर्क एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो वहाँ पर पुलिसिंग भी करनी पड़ती है, सुपरवाइज़र की भी उतनी ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर केवल लॉग्स की ज़रूरत होती है। तो यानी कि दो चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, लॉग्स होगा
ये आप ड्यूटी सेग्रीगेट करेंगे, दोनों तरफ से आप देखेंगे कंट्रोल। अगर ऑटोमेटेड सिस्टम होगा तो आप कहेंगे जी यहाँ तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी पर उतना देखना उतना ज़्यादा हम मैं नहीं देखूंगा, लेकिन ऐसा है कि जो काम कर रहे हैं उसके लॉग्स देख लूँगा किस तरीके से काम हो रहा है, कंप्यूटर लॉग्स, ऑटोमेटेड सिस्टम लॉग्स, जो सिस्टम ऑटोमेटिक काम कर रहा है उसके लॉग्स देख कर उसे वेरीफाई करेंगे कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेसिकली एक हमने ये पढ़ा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक पर्टिकुलर लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग है, डिफाइंड रूल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पर अगर डिफाइंड रूल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब इवोल्यूशन है, तो वहाँ पर कंट्रोल्स, एस्टेब्लिश कंट्रोल्स भी होंगे। ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है एक एस्टेब्लिश कंट्रोल्स को जन्म देगा। तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, एक आईटी डिपार्टमेंट जाएगा, तो वो देखेगा एडिक्वेट डिवीजन ऑफ ड्यूटी है कि नहीं है, रिक्रूटमेंट और स्टाफ रिलेशन प्रोसीजर्स में जैसे मालूम पड़ा इनमें सेग्रीगेशन है कि नहीं है, जो रिक्रूट कर रहा है और जो स्टाफ रिलेशनशिप प्रोसीजर्स हैं उसमें सेग्रीगेशन है कि नहीं है, और कई चीज़ों में सेग्रीगेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एडुकेट ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ ड्यूटीज़ होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में को ठीक तरह से रन करने के लिए, मैनेजमेंट को ठीक तरीके से रन करने के लिए, जैसे टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं डिवीजन ऑफ ड्यूटी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ ड्यूटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन पैदा होता है, उससे पुलिसिंग हो सकती है, कॉन्फ्लिक्टिंग जॉब्स सेग्रीगेट किए जाते हैं, और कई चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ा वो अल्टीमेटली बढ़ाता है। तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे, वहाँ पर रोल डेफिनेशन होगा, और रोल डेफिनेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी कि भाई ये इस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका जॉब जो है जॉब इवोल्यूशन होगा, और इस तरीके से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होगी, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होगी तो रोल आपका डिफाइंड होगा, रोल डिफाइंड होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से होनी चाहिए कि डेटा प्रोसेसिंग जो हो रही है वो एक सिंगल आदमी नहीं कर रहा है, सिंगल आदमी है सिंगल डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, सिंगल आदमी तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर कोई हम एंट्री कर रहे हैं, इनिशिएशन कर रहे हैं एंट्री का, ऑथराइजेशन इनपुट कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, डेटा को चेक कर रहे हैं, तो ये सारी प्रोसेसेस अलग अलग होनी है। अगर कोई ऑथराइजेशन हो रहा है या इनपुट हो रहा है या प्रोसेसिंग हो रहा है, डेटा की चेकिंग हो रही है, ये सारी प्रोसेसेस सेपरेट होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इंश्योर होगा बेसिकली कोई एक आदमी कंप्लीट कंट्रोल में नहीं है, और चूंकि एक आदमी कंप्लीट कंट्रोल में नहीं है तो कोलिजन नहीं होगा, और कोल्यूजन तभी होता है जब दो इंडिविजुअल्स एक साथ मिलकर, कोल्यूजन के लिए दो आदमी चाहिए होते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का, और यही हमारी स्टडी बताती है। उसके अलावा हमारी स्टडी ने कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ की, कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम करके एक टॉपिक है, उसमें हमारी स्टडी यही कहती है कि आज की डेट में ऑटोमेशन बढ़ जा रहा है, ऑटोमेशन बढ़ के जहाँ 100 आदमी काम करते थे वहाँ 10 आदमी काम करने लग रहे हैं और फिर 5 आदमी काम करने लग रहे हैं, तो वहाँ सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है, और यही वनरेबिलिटी है ऑटोमेशन की। हमारी स्टडी बोलती है कि ऑटोमेशन की यही वनरेबिलिटी है, यही कमजोरी है कि प्रॉपर सेग्रीगेशन खत्म हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको स्टैंड बाई स्टाफ लेना पड़ सकता है, और कई कई ड्यूटीज़ सेग्रीगेट करनी पड़ सकती है, वही जो बचा स्टाफ है उसमें आप सेग्रीगेट करोगे उनकी ड्यूटीज़ को। तो बेसिकली अगर मान लिया सपोज़ एक पर्टिकुलर आदमी इनपुट कर रहा है चीज़ों को, तो वो सुपरवाइज़ नहीं करेगा, मतलब उनके रोल्स अलग अलग होंगे। अगर कोई मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट कर रहा है, कोई प्रोग्राम बना रहा है उसका मॉडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो प्रोग्राम को जो ऑपरेट कर रहा है वो दूसरा आदमी होगा, मतलब जो आदमी प्रोग्राम को ऑपरेट कर रहा है उसे मॉडिफिकेशन के राइट्स नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें एक कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में देखनी पड़ेगी। कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट में दो चीज़ें बड़ी क्लियर हो रही है, एक तो क्या हो रहा है कि ऑटोमेशन होने की वजह से एक पर्टिकुलर सिस्टम 100 लोगों का काम ले रहा है, और उसके पीछे जो ह्यूमन बीइंग है, उसके पीछे जो एम्प्लॉई है, वो उसको हाई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। वो हाई स्पेशलाइजेशन पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए उसको ये आदमी बुक कीपिंग कर रहा है तो पर्टिकुलर
पर्टिकुलर एक वाउचर बनाना है, उसे वाउचर बनाने के अलावा कुछ नहीं आता उसको। कुछ रटी रटाई एंट्री हैं वही वो डाल रहा है, बैंक की एंट्री या दो चार एंट्रीज हैं वो डाल रहा है। लेकिन आज की डेट में क्या है कि अगर उसको वो एंट्री कर रहा है तो उसके पास वो कंप्यूटर में एंट्री कर रहा है, कंप्यूटर अपने आप पोस्ट कर रहा है, तो उसकी उसको एक रीजनेबल लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, उसे रीजनेबल लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। और वो रीजनेबल लेवल ऑफ नॉलेज इसलिए होनी चाहिए और रीजनेबल लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन उसको होना चाहिए क्योंकि चीज़ें ऑटोमेट हो गई, वो ज़्यादा काम कर सकता है आज की डेट में, उसकी प्रोडक्टिविटी मैसिवली बढ़ गई है। और चूंकि उसकी प्रोडक्टिविटी मैसिवली बढ़ गई है तो वो एक छोटे से एरिया की बजाय एक बहुत बड़े एरिया को कैटर कर सकता है, बहुत वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को कैटर कर सकता है। इसके बाद हमारी स्टडी बताती है कि कौन से फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे अगर हम एक कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में ड्यूटी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर रहे हैं, तो कौन से फैक्टर्स, हमारी स्टडी का जो टॉपिक है फैक्टर्स टू कंसीडर इन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ इन कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो अगर मान लिया सपोज कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिस होता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की चीज़ों को किससे कंसर्न होता है और सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने का काम उसका होता है। बेसिकली वो स्ट्रेटेजिक लेवल काम होता है, यानी कि वो पॉलिसी बनाएगा, कॉर्पोरेट लेवल पर वो बैठा होता है, यानी कॉर्पोरेट लेवल यानी कि एक कंपनी है उसके कई ब्रांचेज हैं, तो ये जो सेंट्रलाइज जहाँ से कंट्रोल होता है उसे कॉर्पोरेट ऑफिस कहते हैं, वो कॉर्पोरेट लेवल कह सकते हैं उसे। तो कॉर्पोरेट लेवल पर पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिस होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये सिक्योरिटी पॉलिसी गाइडलाइंस प्रोसीजर्स को ये क्रिएट करेगा, एवेल्युएट करेगा, एडमिनिस्ट्रेट करेगा और टाइम में चेंजेस करेगा, क्योंकि 5 साल में जनरेशन चेंज हो जाती है और चूंकि 5 साल में जनरेशन चेंज हो जाती है तो पॉलिसी गाइडलाइंस प्रोसीजर्स इवन स्टैंडर्ड्स एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाते हैं, तो सारे एप्लीकेशन जो भी हैं वो डिफाइन हुए जाएंगे और उनके लिए अप टू डेट किए जाएंगे, उसकी एक लिस्टिंग होगी और वहाँ पर क्या है कंटिंजेंसी प्लान भी होगा। तो कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के लिए, अगर आप ड्यूटी सेग्रीगेशन कर रहे हैं कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट में, आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, मैनेजीरियल पॉलिसी क्या है वो देखनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है ये देखने पड़ेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन से रिसोर्सेज डिप्लॉय हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयड हैं, नेटवर्क कहाँ कहाँ पर डिप्लॉय हैं, डेटाबेस कहाँ पर डिप्लॉयड हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहाँ पर डिप्लॉयड हैं, टेक्निकल स्टाफ कितना अवेलेबल है, तो इन सब चीज़ों पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी देखी जाएगी। अगर मान लिया एक एक बिल्डिंग के अंदर कंपनी है और वहाँ पर कोई छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क है, कुछ कंप्यूटर्स हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट सेग्रीगेशन ऑफ पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी। और एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हर जगह पर मालूम पड़ा हज़ार हज़ार बंदे काम कर रहे हैं, 20 कंट्रीज़ में उसका ऑफिस है, हर जगह हज़ार हज़ार आदमी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी क्या है कोई एक ब्रांच है वहाँ पर 5,000 आदमी काम कर रहे हैं और एक ब्रांच है जहाँ पर 100 आदमी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ जो हैं अलग तरीके से की जाएंगी। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिजनेस ऑपरेशंस के नेचर पर डिपेंडेंट करती है, यानी कि बिजनेस कैसा है। अगर मान लीजिए सपोज आपका इन हाउस आईटी टीम है, इन हाउस डेवलपमेंट टीम है, आउट हाउस डेवलपमेंट टीम है, आउटसोर्स बाहर नहीं, बाहर जैसे आपका विप्रो इन्फोसिस कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं बाहर की कंपनी के लिए, तो एक डेवलपमेंट टीम होती है जो बाहर के लिए कैटर कर रही होती है, कस्टमर को कैटर कर रही हो रही है, तो कस्टमर स्पेसिफिक डेवलपमेंट टीम है और एक डेवलपमेंट टीम कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रही होती है, तो इन हाउस डेवलपमेंट टीम उसे कह सकते हैं। तो कैसी डेवलपमेंट टीम है, अगर डेवलपमेंट टीम है कि नहीं है, एक छोटा सा आईटी डिपार्टमेंट है या एक आईटी डिपार्टमेंट है, कोई डेवलपमेंट नहीं होता। अगर ड्रग्स बनाने की कंपनी है तो वो डेवलपमेंट का काम नहीं करेगी जनरली, वो ड्रग्स बनाएगी कंपनी के अंदर और वो बाहर से सर्विसेज ले लेगी। तो बिजनेस का नेचर देखना पड़ेगा, मैनेजीरियल पॉलिसी देखनी पड़ेगी, क्या है मैनेजीरियल पॉलिसी। कई मैनेजीरियल मैनेजर्स जो हैं ऑटोमेशन के लिए काफ़ी आगे रहते हैं और तो वो क्या है कि नई टेक्नोलॉजी को टाइम से पहले ले आते हैं, तो लेवल ऑफ ऑटोमेशन बढ़ जाता है, तो वहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ ऑब्वियसली बंदे कम होंगे तो सेग्रीगेशन कहाँ कर पाएंगे, उसमें स्पेशलाइजेशन जा का वो होगा, लॉग्स आपको देखने पड़ेंगे।
तो बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं, इनके अनु इनकी इनसे ही हमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी डिसाइड करनी पड़ेगी। इसके बाद हमारी स्टडी ये कहती है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो है इंफॉर्मेशन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का है, नीड टू नो नीड टू टू बेसिस, यानी कि आर्मी प्रिंसिपल्स या अलकायदा प्रिंसिपल्स, कि आपको जो नीड टू नो है वही जानना चाहिए और जो करना चाहिए वही करना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको अथॉरिटी नहीं दी जाएगी और उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें चेंज होने लगी है। कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी के पल्ले में पहले कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा थी। आप आज भी आप कहीं पर जाते होगे तो देखते होगे ये पुल में फ़ोटो खींचना मना है, इंडिया में बहुत जगह लिखा रहता होगा, लेकिन आज की डेट में वो इलाके क्यों, वो इसलिए था क्योंकि दुश्मन को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ना पता चले। लेकिन आज क्या है, आपका गूगल मैप्स आते हैं तो आपको हर एक स्ट्रीट के बारे में पता होता है, कौन सी स्ट्रीट है, कहां पर है, किधर आपकी गाड़ी जा रही है, एक एक स्ट्रीट के बारे में उसमें लिखा होता है, एक एक स्ट्रीट मैप्ड होती है वहां पर। तो बेसिकली नीड टू नो और नीड टू बेसिस डू बेसिस में करना चाहिए, लेकिन ये पुराना ज़माना हो गया। अवेलेबिलिटी की तरफ ज़्यादा चीज़ें जाने लगी, कॉन्फिडेंशियलिटी की तरफ कम जाने लगी। पहले हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल मानी जाती थी, लेकिन आज राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ आ रही है, तो पल्ला इधर की तरफ भारी हो गया। लेकिन जब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करेंगे तो आप नीड टू नो और नीड टू डू बेसिस पर करेंगे, क्योंकि आपको सिक्योरिटी रखनी है ऑर्गेनाइजेशन में। आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हैं, आप कंजर्वेटिव हैं, आप सिक्योरिटी प्रस्पेक्टिव से ज़्यादा देख रहे हैं, एफिशिएंसी प्रस्पेक्टिव से कम देख रहे हैं। एफिशिएंसी प्रस्पेक्टिव से भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से देखेंगे। आप दो अलग चश्मे पहनेंगे, पहले एक चश्मा जो होगा वो सिक्योरिटी प्रस्पेक्टिव का होगा और उसमें आप बड़े कंजर्वेटिव आदमी होंगे, पुराने ख्यालों वाले आदमी होंगे, और आप दूसरा चश्मा जब पहनेंगे, एफिशिएंसी का चश्मा पहनेंगे, उसमें आप समय से साल भर आगे के आदमी होंगे, समय से 5 साल के आगे के आदमी होंगे, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि 5 साल आगे आपको ऑप्टिमम टाइम पर रहना होगा। एफिशिएंसी जो है लेवल ऑफ़ टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमम लेवल ऑफ़ टेक्नोलॉजी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप आगे की टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश करेंगे उसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हाई एंड मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही 3 साल बाद वही मोबाइल आपके हाथ में आता है तो बहुत ही कम कॉस्ट में आता है। तो बेसिकली आपको नीड टू नो और नीड टू डू के बेसिस पर काम करना पड़ेगा, और इसी के हिसाब से आपको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ को प्लान करना पड़ेगा। अब चूंकि आईएएस सिस्टम का सेग्रीगेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा डेटा किस टाइप का है, क्या क्लास है, क्या टाइप ऑफ डेटा है, किसको स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डेटा को एक्सेस करने की। ये सारी चीज़ें हमें देख कर समझ करना पड़ेगा, तो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर देखना पड़ेगा, उसी के अनुसार डेटा डिक्शनरी डिफाइन होगी, उसी के अनुसार सारी चीज़ें डिफाइन होगी, यानी किसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, कौन इन्फॉर्मेशन डालेगा, कौन इन्फॉर्मेशन सुपरवाइज करेगा, कौन इन्फॉर्मेशन को और किन किन बंदों को कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, ये कौन बताएगा, ये इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाएगा। और उसी इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर के साथ और नीड टू नो और नीड टू डू बेसिस पर आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करें कहेंगे। तो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का है, आप इस समय जब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी की बात है तो कंजर्वेटिव वाला चश्मा लगा दीजिए। कंजर्वेटिव आदमी का चश्मा लगा के आपको एक चीज़ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का ओवरराइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड है जब तक कि स्पेसिफिकली परमिटेड नहीं है। कहने का मतलब जब तक परमिशन नहीं दी गई वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड है, आप उस इन्फॉर्मेशन को ना जान सकते हैं, ना कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना एक्सेस कर सकते हैं, जब तक कि आपको स्पेसिफिकली नहीं बताया गया। ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी का ऑर्गेनाइजेशन में, और ये सिक्योरिटी, ये अगर आप सिक्योरिटी के टर्म्स में सोचेंगे, ये सिक्योरिटी की तरफ बायस्ड है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी की तरफ बायस्ड है। तो उसके अलावा क्या है कि टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग के अनुसार भी रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका माल आया तो एक गुड्स रिसीव नोट है, गुड्स रिसीव नोट जो यूज़र क्लर्क जो है वो जीआरएन क्रिएट करेगा, तो लेकिन वो उसे अप्रूव नहीं कर सकता, उसका सुपरवाइज़र उसे अप्रूव कर सकता है। तो वहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इसी तरीके से की जाएगी,
मतलब इस तरीके से आपकी ड्यूटी सेग्रीगेट की जाएगी। तो ये बेसिकली फैक्टर्स हैं जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ के टाइम पर आप ध्यान रखेंगे कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में, जिसको मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। आपके पास दो चश्मे हैं, एक है अवेलेबिलिटी का चश्मा, एक है कॉन्फिडेंशियलिटी का चश्मा। जब सिक्योरिटी के टर्म्स में बात करेंगे आप जो कॉन्फिडेंशियलिटी की तरफ बायस्ड हो जाएंगे और कॉन्फिडेंशियलिटी का चश्मा पहन लेंगे, और कॉन्फिडेंशियलिटी के चश्मे पहन के आप सोचने लगेंगे, आप सिक्योरिटी क्रेजी हो जाएंगे, आप उसी तरीके से टर्म्स में सोचने पड़ेंगे, आप शक्की हो जाएंगे। और आप ये जानेंगे कि नीड टू नो होना चाहिए, जिसको जो इन्फॉर्मेशन नीड टू नो नीड टू डू बेसिस पर वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। दूसरा चीज़, आप बेसिक ओवरराइडिंग प्रिंसिपल ये होगा कि जिसको जब तक कि एक्सप्रेसली जो मैनेजर है या मैनेजमेंट है डिसाइड नहीं करता कि इसको इन्फॉर्मेशन देनी है, तब तक उसको इन्फॉर्मेशन डिनाइड है। जब एक्सप्रेसली परमिट की गई तब उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो यानी कि एक्सप्रेसली जब उसे नीड टू डू और नीड टू डू बेसिस पर और जब उसे एक्सप्रेसली दी गई तभी उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली। और बाकी सारी चीज़ें आप देखोगे, आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी डिसाइड करोगे नेचर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस में, मैनेजीरियल पॉलिसी में किस तरह का हार्डवेयर है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदे हैं, उस ब्रांच में कितने बंदे हैं, सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, आईटी ऑपरेशन इन हाउस है, आउटसोर्स है, इस सब चीज़ फैक्टर्स में आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी डिसाइड की जाएगी। लेकिन जब भी आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ देख रहे हो एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी का चश्मा लगा के देखोगे। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ के चश्मे के साथ होगी। आप शक के भाव से देखोगे, आप ये देखोगे जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलनी चाहिए। जब तक उसे कहा नहीं जाए, एक्सप्रेसली ना कहा जाए, तब तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए नीड टू नो और नीड टू डू के बेसिस में। जब आप एफिशिएंसी का चश्मा लगाओगे तो आप उल्टे टर्म्स में बात करने लगोगे। तो ये सिचुएशन बड़ी अजीब है। आज की डेट में अवेलेबिलिटी की तरफ पावर बढ़ रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट होती चली जा रही है। पहले पेटेंट्स रखते थे हम, मालूम पड़ा एक मूवी वगैरह में या कोई किताब लिखी तो 100 साल का पेटेंट होता था। फिर उसके बाद ड्रग्स का पेटेंट आया, आज की प्रोडक्ट पेटेंट जो है 15 साल का पेटेंट होता है, यानी आज दवाई बनाई तो 15 साल का, इधर 15 साल तक आप पेटेंट रख सकते हैं दवाई ड्रग्स वगैरह के एरिया में। लेकिन इधर कुछ कंपनीज़ आ गई हैं, जैसे टेस्ला की, टेस्ला मोटर्स है, इलॉन मस्क है, उसकी टेस्ला मोटर है, उसने कहा जी सारी पेटेंट ओपन सोर्स कर दो। आजकल ओपन सोर्स का ज़माना बहुत चल रहा है। ओपन सोर्स का ज़माना इसलिए चल रहा है क्योंकि क्रिएटिविटी इतनी स्पीड, वो कहते हैं क्रिएटिविटी की स्पीड इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि चीज़ें पेटेंट की ज़रूरत ही ना हो। वो चाहते हैं कि स्पीड इतनी बढ़ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि अवेलेबिलिटी की तरफ, एफिशिएंसी के टर्म्स में आप सोचेंगे तो अवेलेबिलिटी की तरफ जाएंगे, अवेलेबिलिटी से बायस्ड हो जाएंगे, और कॉन्फिडेंशियलिटी के टर्म्स में तब आप सोचेंगे जब आप सिक्योरिटी की तरफ बायस्ड हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा कोविड है, जो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह की बात कर देते हैं, कोविड की आईटी प्रोसेस 4 है, वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करती है, और वो जो है वो भी हाईलाइट करती है, वो भी एम्फसाइज करती है, वो कहती है भैया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। आईटी वो सिक्योरिटी के प्रस्पेक्टिव से, कंट्रोल के प्रस्पेक्टिव से बात करती है और कहती है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उसमें सेग्रीगेट करके उनको सेग्रीगेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेग्रीगेशन नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें अगर कोर्ट अलग नहीं है, पुलिस अलग नहीं है, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं होगी और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर कोर्ट अलग है, प्रेस अलग है, गवर्नमेंट अलग है, और आपका इलेक्शन कमीशन अलग है, उसके अलावा आपके जो CAG अलग है, तो ये सारे अलग अलग लोग जो हैं वो सेग्रीगेशन ही तो है, ये एक पर्टिकुलर सेग्रीगेशन क्रिएट कर रहे हैं, और यही सेग्रीगेशन जो है इफ़ेक्टिवली काम करने में हेल्प करता है। तो ह्यूमन बीइंग बेसिकली सेग्रीगेशन से ज़्यादा बेटर काम करता है, नहीं तो अदरवाइज़ वो फ्रॉड कर सकता है और कई चीज़ कर सकता है, एम्प्लॉई कई चीज़ कर सकता है। तो जहाँ पर एम्प्लॉई को आप निकाल सकते हो वहाँ तो ऑटोमेशन हो गया, वहाँ लॉग्स देखना चालू कर दो। आप कहोगे बढ़िया हो गया, ये आदमी चला गया, अब ये आदमी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं भेजेगा, ये आदमी फ्रॉड नहीं करेगा, ये आदमी छुट्टी नहीं लेगा, ये आदमी दूसरी कंपनी में नहीं जाएगा, ये आदमी गुस्सा होकर सैलरी ज़्यादा नहीं मांगेगा, ये आदमी अनरिलायबल नहीं होगा,
चीज़ें ऑटोमेट हो गई, बात खत्म, इस आदमी को अलग करो। लेकिन जहाँ आदमी है वहाँ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं की तो वो कहीं ना कहीं से अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने में लग जाएगा, और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करेगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को लॉस में कन्वर्ट कर देगा, या फिर आपको गोल कॉन्ग्रेंस करनी पड़ेगी, अपने ऑब्जेक्टिव्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेम करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ फ्रॉड वगैरह की बात आती है तो वहाँ पर आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के अलावा कोई चारा नहीं रहता, और जहाँ पर आप आदमी को हटा सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो, वहाँ पर लॉग्स क्रिएट कर दो। तो आईटी प्रोसेस फॉर कोविड की जो है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी पर एम्फसाइज करती है। तो बेसिकली कोविड जो है वो ये कहता है कि मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे पर्सनल जितने भी व्यक्ति हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रस्पेक्टिव में जो उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पता होना चाहिए। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिफाइन करोगे तभी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के बाद क्या है, सेग्रीगेट कर दोगे ड्यूटीज़, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दोगे कि भाई तेरा ये रोल है, तेरा ये रोल है, एक आदमी को सारे रोल नहीं मिलेंगे, तू ये काम कर, तू दूसरा काम कर। तो आपने क्या किया, रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी डिफाइन कर दी और उनको रूल्स असाइन कर दिए। तो रोल्स आपने कैसे असाइन किया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के अनुसार किए, और आपने किसी एक इंडिविजुअल को सारा कंट्रोल नहीं दिया, किसी ट्रांजैक्शन इवेंट के पूरे एस्पेक्ट्स का कंट्रोल नहीं दिया जब तक कि वहाँ पर आदमी है। लेकिन जब तक जैसे ही ऑटोमेशन आ गया उसका आदमी को कोने किया और चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया, कहा कि भैया ऐसा है कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं, अब मशीन तुम्हारा काम कर लेगी। तो बेसिकली आपने सारे की एस्पेक्ट्स का को सेग्रीगेट कर दिया। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बचे खुचे लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको आपको ये अवेयर करना पड़ेगा कि कुछ सबकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल कंट्रोल और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि क्यों, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है, हर किसी न किसी हर के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी, और जिस चीज़ की अथॉरिटी है उसकी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई जब जो चीज़ कर रहे हो, अगर आप एक पेरोल के पार्ट हो और डेटा डाल रहे हो तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वाउचर डाल रहे हो तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है इंटरनल कंट्रोल और सिक्योरिटी के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं है इंटरनल कंट्रोल और सिक्योरिटी के लिए तो प्रॉब्लम है। मतलब हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जैसे जैसे मैंने बोला चीज़ें ऑटोमेट होती जाएंगी वैसे वैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉग्स में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ऑटोमेटेड चीज़ें काम कर रही होंगी और वो लॉग्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जितने बचे ह्यूमन बीइंग हैं वो फिर उनको वहाँ पर हमें सेग्रीगेशन ऑफ जितने बचे एम्प्लॉई हैं वहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हर एक आदमी को आपको ये बताना पड़ेगा भैया तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम ये काम कर रहे हो और तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जैसे जैसे ऑटोमेशन होता जा रहा है वैसे वैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कम लोग होंगे, उनका स्पेशलाइजेशन बढ़ते जाएगा, वो रिसोर्स को ज़्यादा बड़े रिसोर्स को कम कर रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे। जैसे व्हाट्सएप जो है $19 बिलियन में बिका, उसमें 50 लोग काम करते थे, यानी 50 लोग मिलियंस ऑफ, एक आदमी मिलियन ऑफ डॉलर्स को कंट्रोल करता था। हिंदुस्तान की इकोनॉमी $1900 बिलियन, व्हाट्सएप $19 बिलियन में बिका, हिंदुस्तान की जीडीपी, ईयरली जीडीपी $1900 बिलियन है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कंपेन्स करने पड़ेंगे, और ऑर्गेनाइज्ड अवेयरनेस और डिसिप्लिन इसलिए इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि कल की डेट में वो आदमी कहेगा मुझे तो पता ही नहीं था, और आप वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको ये पता सेंसिटिव वाई टेक करना पड़ेगा, उसके दिमाग में डालना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा भैया ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल की, तुम इतना पैसा कंट्रोल कर रहे हो। या अगर छोटा एम्प्लॉई है तो वो कम, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर छोटा एम्प्लॉई है कई कम चीज़ें कंट्रोल कर रहा है तो वो उसे बताना पड़ेगा ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम और ट्रेनिंग्स होनी बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ कोविड कहता है। कोविड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ में एम्फसाइज़ करता है, और वो यही कहता है कि भाई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेट होनी चाहिए और रेगुलर कंपेन्स होनी चाहिए, ताकि लोगों को अपनी अवेयरनेस हो, कि डिसिप्लिन इंक्रीज हो, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, ताकि लोग को पता होना चाहिए इंटरनल कंट्रोल सिक्योरिटी के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस डिग्री तक वो रिस्पॉन्सिबल है।
तो बेसिकली ये तो आपने कर दिया, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वहाँ पर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी पड़ती है, तो वहाँ पर आपको एक फॉर्मली आपको असाइन करना पड़ता है लॉजिकल और फिजिकल सिक्योरिटी के लिए। तो उसके लिए क्या है कि आपको एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर की पोस्ट क्रिएट करनी पड़ती है या एक डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ता है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर द्वारा हेडेड है और वो सारे इंटरप्राइज के इंफॉर्मेशन एसेट्स को देख रहा है, उनकी लॉजिकल और फिजिकल सिक्योरिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और फॉर्मली वो रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि एम्प्लॉय तो रिस्पॉन्सिबल ही हैं, ये लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब एट द मिनिमम सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो एंटरप्राइज लेवल की ओवरऑल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दे देनी पड़ती है। आप कहोगे कि भाई ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके बारे में आप तू सोच, ये एम्प्लॉयज तो हैं ही हैं लेकिन तू है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि तेरा ये स्पेशलाइजेशन है, तो ये तेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंटरप्राइज लेवल में ये है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एडिशनल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है, तो उसमें क्या होता है सिस्टम स्पेसिफिक लेवल पर भी रिलेटेड सिक्योरिटी इशूज पॉलिसी बना दिए जाते हैं कि ये सिस्टम लेवल पर ये सिस्टम के लेवल पर, जैसे एक पर्टिकुलर डेटाबेस है तो डेटाबेस इंपॉर्टेंट है, तो उस डेटाबेस के लिए आपको एडिशनल सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। तो सिस्टम स्पेसिफिक लेवल पर वो सिक्योरिटी लग गई उस डेटाबेस के लिए, उस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए आपने सिक्योरिटी लगाई। तो यानी कि ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। और बेसिकली अगर ये मान लें कि आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और कई लेवल्स पर सिक्योरिटी हमें लगानी है, क्योंकि वहाँ पर सारे वेरिएशंस ऑफ सिक्योरिटी लगानी है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सारे वेरिएशंस ऑफ सिक्योरिटी आपको लगानी है और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्री वाइड ऑर्गेनाइजेशन है और हर तरीके की सिक्योरिटी वहाँ पर आपको इंप्लीमेंट करनी है। तो उन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि आपके एम्प्लॉयज़ के लेवल पर सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरा बात यह है कि जैसा हमने बोला कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होगा, वो सिक्योरिटी को कंट्री वाइड कॉन्टिनेंट वाइड सिक्योरिटी को देखेगा कि सिक्योरिटी है कि नहीं है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो बेसिकली और अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एसेट्स हैं जहां पर एडिशनल सिक्योरिटी लगानी पड़ी है तो वहां पर आप सिस्टम स्पेसिफिक लेवल की सिक्योरिटी लगाओगे और इस तरीके से एक सिक्योरिटी को इंटरनल कंट्रोल को मजबूत करोगे। फाइनली हमारी स्टडी ये कहती है कि सीनियर मैनेजमेंट जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करेगा और इसमें क्या है कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस तरह से डिवीजन होना चाहिए कि एक सिंगल इंडिविजुअल क्रिटिकल प्रोसेस को सबवर्ट ना कर सके। कई जगह पर इंडिविजुअल प्रोसेस इंडिविजुअल व्यक्ति कई प्रोसेसेस कर रहा होगा लेकिन क्रिटिकल प्रोसेसेस जो वहाँ पर उसका सबवर्जन नहीं कर सके एक इंडिविजुअल आदमी। तो उसके अलावा मैनेजमेंट को ये भी देखना पड़ेगा कि आदमी अपनी रेस्पेक्टिव जॉब पोजीशन के अनुसार ही काम कर रहे हैं और केवल वो ड्यूटीज़ कर रहे हैं जो उसके रेस्पेक्टिव जॉब और पोजीशन के लिए ईयर मार्क्ड है, यानी जो उसे जो लोगों को जो ड्यूटी दी गई है वही ड्यूटी वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमारी स्टडी कहती है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मेंटेन, कुछ फंक्शंस हैं जिन पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़, उसके बाद डेटा एंट्री। तो यानी कि जो यूज़र है इन्फॉर्मेशन सिस्टम का वो डेटा एंट्री ना करे, वो कंप्यूटर ऑपरेशन भी ना करे, वो नेटवर्क मैनेजमेंट ना करे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ना करे, सिस्टम डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ना करे। यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट मेंटेनेंस वाला बंदा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ना करे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा है वो सिस्टम डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ना करे, और ये दोनों बंदे नेटवर्क मैनेजमेंट ना करें, ये तीनों बंदे कंप्यूटर ऑपरेशंस में ना हो, रोज के ऑपरेशंस में ना हो। जो नेटवर्क को मैनेज कर रहा है वो नेटवर्क को मैनेज करे, जो डेटा एंट्री कर रहा है वो डेटा एंट्री करे, और एक यूज़र है वो यूज़ करे। यूज़र का काम है यूज़ करना, उसका काम डेटा एंट्री करना नहीं है। डेटा एंट्री के लिए पर्टिकुलर बंदे ईयर मार्क होंगे क्योंकि डेटा सही तरीके से जाना चाहिए, उसी से सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसके अलावा नेटवर्क मैनेजमेंट हो, सिस्टम मैनेजमेंट हो, सिस्टम डेवलपमेंट और मेंटेनेंस हो। इसके अलावा चेंज मैनेजमेंट के लिए अलग बंदे होने चाहिए, अगर कोई चेंजेस है तो अलग बंदे होने चाहिए वो इन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग बंदे होने चाहिए, सिक्योरिटी ऑडिट अलग बंदे होने चाहिए, ऑडिटर इन सब में कोई होना ही नहीं चाहिए। इंटरनल ऑडिटर हो, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हो, एक्सटर्नल ऑडिटर हो, तो वो केवल
ट्रांजैक्शंस देखें उनको, वो कि आपने सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर को सिक्योरिटी ऑडिटर बना दिया, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसके वहाँ वो रिपोर्ट में नहीं आएगा, वो ये दिखाएगा मेरा डिपार्टमेंट तो सबसे सही तरीके से चल रहा है। तो ऑडिटर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो ये इनकॉम्पेटेबल फंक्शंस हैं, ये यहाँ पर एक दूसरे कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। चूँकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो ये एक नहीं होनी चाहिए। तो हमारी स्टडी की फर्दर ये कहती है कि इनकॉम्पेटेबल फंक्शंस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। भाई आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर इंफॉर्मेशन एक्सेस दिया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आप कर रहे हो बिजनेस नीड्स को मीट आउट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अनुसार आपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी की, लेकिन सबसे पहले तो आपको इनकॉम्पेटेबल फंक्शंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। कुछ फंक्शंस हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, अगर उनको आप मिला दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा। जैसे सिक्योरिटी ऑडिट और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर आपने मिला दिया, चेंज मैनेजमेंट जो आदमी कर रहा है उसे ही सिक्योरिटी ऑडिटर बना दिया, तो ये इनकॉम्पेटेबल फंक्शंस हैं। आपको ये इनकॉम्पेटेबल फंक्शंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ग्रुप है और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ग्रुप और उसके ऊपर जो एप्लीकेशन रन करेंगे वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप और ग्रुप डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटर जो है वो दूसरे ग्रुप से अलग होना चाहिए। और उसके अलावा जो है सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, जैसे मान लिया फिजिकल डेटा फिजिकल सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, ऑनलाइन सिक्योरिटी, ये दूसरे आईएएस फंक्शन से सेग्रीगेटेड होनी चाहिए। सिक्योरिटी फंक्शंस दूसरे फंक्शन से सेग्रीगेटेड होनी चाहिए, ऑडिटर इन सब से सेग्रीगेटेड होनी चाहिए। तो ये बेसिकली इनकॉम्पेटेबल फंक्शंस हैं। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन आपको ये देखना पड़ेगा जब एज एन ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन में जाकर कि कौन कौन से इनकॉम्पेटेबल फंक्शंस हैं। जनरली आपको समझ में आएगा कौन कौन से इनकॉम्पेटेबल फंक्शंस हैं, उन इनकॉम्पेटेबल फंक्शंस के साथ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी की गई कि नहीं, कि उसकी के अनुसार जॉब इवैल्यूएशन किया गया है कि नहीं, उसी के अनुसार रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई कि नहीं, उसी के अनुसार मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है कि नहीं किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि इन्फॉर्मेशन एसेट का क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। सिक्योरिटी के यही रूल्स हैं, हर जगह यही लगेंगे। तो हमने ये बोला कि आज की डेट में अवेलेबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी की तरफ लड़ाई है। पहले कॉन्फिडेंशियलिटी की तरफ पलड़ा भारी था आज से 5 साल पहले, आज अवेलेबिलिटी की तरफ पलड़ा भारी होने लग गया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी भारी है, कॉन्फिडेंशियलिटी भारी है, अवेलेबिलिटी भारी है। आज की डेट में चीज़ें अवेलेबल ज़्यादा होने लग गई हैं क्योंकि आपको ज़्यादा रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है गवर्नमेंट के पास, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, तो अवेलेबिलिटी भारी हो गई है। लेकिन इनका इस देखना पड़ेगा कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी के इंटेग्रिटी के टर्म्स में देखना पड़ेगा और फिर आईटी सिस्टम्स को उसी तरीके से आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट क्लासीफिकेशन करना पड़ेगा। तो अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में 4 लेवल क्लासिफिकेशन होता है एक्सेस के लिए, या अगर आप उस डेटा को देख सकें, मॉडिफाई कर सकें, जो भी कर सकें, उसके लिए चार लेवल में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है अनक्लासिफाइड, पब्लिकली एसेसेबल होता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती एक्सेस कंट्रोल या कॉन्फिडेंशियलिटी की। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप जो है अपने एनुअल रिपोर्ट्स जो होते हैं वो आपके एनुअल रिपोर्ट जो है बैलेंस शीट्स वगैरह जो है वो आपको एमसीए की साइट में दिखाई देते हैं, तो वो अनक्लासिफाइड रिपोर्ट है, अनक्लासिफाइड चीज़ें होती हैं। कई चीज़ें आप एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं कंपनी के बारे में, मैसिव आप खर्च करते हैं पैसा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, एक पूरा बजट होता है आपके पास, तो वो अनक्लासिफाइड है, वहाँ पर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी काम नहीं करती, वहाँ अवेलेबिलिटी पर इम्फेसिस होना चाहिए। चीज़ें अवेलेबल हो जाएं, जितनी अवेलेबल हो सकते हैं, जितनी पब्लिक को हो सकती हैं। आज की डेट में आपके प्रोडक्ट्स हैं, एक बार प्रोडक्ट्स आपने रिसर्च कर लिए, ओके हो गए, ड्रग्स पेटेंट हो गया, तो आप पहले तो उसको छुपा रहे होते हैं कि किसी को पता ना चले कि कैंसर का ये ड्रग निकल गया। जैसे ही वो ड्रग सही तरीके से टेस्ट वेस्ट सब हो जाते हैं, एनिमल टेस्ट ये वो, और रेगुलेटर के द्वारा ओके हो जाता है, तो आप क्या करते हैं उसको पब्लिक में डालने की एडवर्टाइज करने लगते हैं। तब आप चाहते हैं लोग जाने, पहले एक पॉइंट पर आप चाहते थे कि लोगों को पता ना चले, और एक पॉइंट पर आप चाहते हैं दसियों साल तक आप चाहते थे कि ये इस ड्रग्स के बारे में दुनिया को पता ना चले, और उसके बाद आप चाहते हैं कि जितना एडवर्टाइज हो सके उतना एडवर्टाइज हो जाए। तो यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस अवेलेबिलिटी है, तो अनक्लासिफाइड अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती एक्सेस कंट्रोल या कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद शेयर्ड होते हैं,
शेयर्ड एसेट्स जो हैं वो कुछ लोगों के या ग्रुप्स के बीच में शेयर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास एक पर्टिकुलर डेटा शेयर्ड है, या आपके मारुति है तो उसके वेंडर्स हैं तो उन्हें उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन मारुति और वेंडर्स में शेयर्ड है, तो ये शेयर्ड होते हैं। एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है उस तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन होता है। यहाँ पर अवेलेबिलिटी है लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी भी है। कॉन्फिडेंशियलिटी है उस ग्रुप तक, कॉन्फिडेंशियलिटी है। उसके बाद होता है कंपनी ओनली, तो कंपनी ओनली इंटरनल एम्प्लॉय के लिए होती है, केवल इंटरनल एम्प्लॉय को पता होना चाहिए, बाहर पता नहीं होना चाहिए। इंटरनल आपके वेबसाइट्स होती हैं जो इंटरनली आपको अवेलेबल करा देती हैं इंफॉर्मेशन। उसके बाद कॉन्फिडेंशियल, ये स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ पीपल को रेस्ट्रिक्टेड होती है, उसके बाद उनके अलावा किसी को पता नहीं होता है। तो ये बेसिकली कंट्रोल कैसे किया जाता है, एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है, ACL जिसे बोलते हैं। ACL जो है कंट्रोल करती है, एक्सेस कंट्रोल करती है इंफॉर्मेशन एसेट का, और ये डिफाइन करती है कि किसको एक्सेस होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। तो ACL अगर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब हमें ACL हम इंप्लीमेंट करेंगे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इंप्लीमेंट करेंगे डेटाबेस में, दूसरे मतलब डेटाबेस और जगह एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो पैरामेट्रिक सिक्योरिटी डिवाइसेस में भी करते हैं, जैसे एक्सेस कंट्रोल कार्ड्स हैं, फायरवॉल हैं। तो यानी कि बाहर का बंदा कोई भी कंपनी के अंदर इंटरनेट के थ्रू बाहर से अगर कोशिश कर रहा है, लॉजिकल एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर अगर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट उसे उन रिसोर्सेस को एक्सेस करने के लिए नहीं देती है जो रिसोर्सेस कॉन्फिडेंशियल है, जो रिसोर्सेस उसको अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है पर्टिकुलर लेवल लोगों पर, पर्टिकुलर लेवल लोगों को ही अवेलेबल होते हैं वो रिसोर्सेज, बाकी को कॉन्फिडेंशियल होते हैं। लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ओनर की है, और हमने बोला था ओनर कौन है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का ओनर फाइनेंस हेड है, वो डिटरमाइन करेगा कौन रिस्पॉन्सिबल है, किस किस को होनी चाहिए। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन की, एक्सेस परमिशन की, ये इंफॉर्मेशन एसेट ओनर के पास होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एचआर हेड है तो वो कहेगा कि जी वो अगर मान लिया वहाँ पर एचआर का सॉफ्टवेयर है, तो एचआर के सॉफ्टवेयर में मालूम पड़ा हर रीजन का डेटा है, कॉर्पोरेट ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में एक बंदा बैठा हुआ है, IBM के ऑफिस में बैठा हुआ है, वर्ल्ड वाइड एचआर का डेटाबेस वो कंट्रोल कर रहा है, वो एचआर हेड है, ग्लोबल एचआर हेड है IBM का। अब ये जो ग्लोबल एचआर हेड है इसको तो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन क्लासीफाई करता है, बोलता है इंडिया की इन्फॉर्मेशन इंडिया के बंदों को पता होनी चाहिए और किसी को नहीं होनी चाहिए, इंडिया में भी इस रीजन की इस डेजिग्नेशन को अवेलेबल होनी चाहिए, उसको नहीं होनी चाहिए। तो ये क्लासिफिकेशन कौन करेगा? एचआर ओनर करेगा। कई बार क्या होता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाती है, एचआर ओनर कहता है कि अपने एरिया की एक्सेस किसको देनी है आप डिसाइड करोगे, आप डिसाइड करोगे, मुझे बता दोगे कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मुझे भेज दोगे कि इन इनको एक्सेस देनी है। तो मालूम पड़ा किस बंदे को किस डेटा की एक्सेस होनी चाहिए, एचआर के किस डेटा की एक्सेस होनी चाहिए, ग्लोबल एचआर वाला ने वहाँ पर अपनी पावर्स डेलीगेट कर दी, इंडिया वाला डिफाइन करेगा कि इंडिया के एचआर के डेटाबेस की एक्सेस किसको होनी चाहिए। तो ये कौन, इसे क्या बोलते हैं? ओनर बोलते हैं। और IT जो है डिपार्टमेंट है जो इसको मैनेज कर रहा है वो कस्टोडियन की तरह काम करेगा। उसी तरीके से जैसे मैंने कई बार बोला बैंक में आपका पैसा होता है, पैसा कहाँ जाना है, किसको जाना है, ये सारी चीज़ें आप चेक देते हो और उसी के अनुसार पैसा ट्रांसफ़र होता है, वो आपका पैसा होता है, लेकिन उस पैसे को सेव मेंटेन कौन कर रहा होता है? बैंक कर रहा होता है। तो बेसिकली ये एक्सेस इंफॉर्मेशन एक्सेस क्लासिफिकेशन है, और ये चार कैटेगरीज में आप डिवाइड करोगे, अनक्लासिफाइड, शेयर्ड, कंपनी ओनली और कॉन्फिडेंशियल। और वहाँ पर एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होगी, वो उसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, और डेटाबेस वगैरह में उसे इम्प्लीमेंट करोगे, पैरामेट्रिक सिक्योरिटी डिवाइसेस में करोगे, जैसे एक्सेस कंट्रोल कार्ड्स हैं, फायरवॉल्स हैं, यानी कि कोई भी आदमी कंपनी के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, लॉजिकली घुसने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट उसे प्रिवेंट कर देगी उन रिसोर्सेज को की अवेलेबिलिटी होने से। इंटरनल एम्प्लॉई है तो वहाँ पर भी वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगी होगी जो रिलेटेड पर्सन को ही एक्सेस देगी।
इसके बाद हमारी स्टडी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कहती है, वो बोलती है कि मैनेजमेंट एक स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन देगा पर्टिकुलर जॉब परफॉर्मेंस की। हमने डिवाइड कर दिए रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन रोल्स कैसे डिवाइड करेंगे? एक पर्टिकुलर जॉब है उसकी एक एक्सपेक्टेशन सेट की जाती है। जॉब एक पर्टिकुलर जॉब है, मालूम पड़ा एक पर्टिकुलर रोल है, एक पर्टिकुलर मैनेजर है, उसकी स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन होगी। वही एक्सपेक्टेशन, एक तो वो मैट्रिक्स बनेगा किस किस की क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, और उसके अलावा हर डेजिग्नेशन पर, जैसे मैनेजर के डेजिग्नेशन, सीनियर मैनेजर के डेजिग्नेशन पर और रोल्स डिफाइन होंगे, और उसके बाद उनके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन होंगी। तो वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिफाइन होती हैं, वो मैनेजमेंट की स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन के अनुसार डिफाइन हो सकती हैं। अगर मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन दे दे, तो सारी पॉलिसीज़ उसी तरीके से फिर चलती हैं, उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है एम्प्लॉई एक्शंस की। तो जब भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी की जाएगी या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाएगी या मैट्रिक्स डिफाइन किया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान पर रखा जाएगा, मैनेजमेंट इंटेंट को ध्यान पर रखकर ये सेग्रीगेशन या जॉब इवेल्यूएशन या रूल्स डिफाइनिंग ऑफ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं मैनेजमेंट के स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन क्या है, इस टर्म्स के अनुसार डिसाइड किया जाएगा।